देखिए इधर से हमारा राष्ट्रीय तिरंगा लहरा रहा है, हवा बहुत तेज है और सामने का व्यू एक बार निहार लीजिए, पूरा माउंटेन ही माउंटेन, कश्मीर वैली का इतना खूबसूरत व्यू। ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है जी? ना कर यार सर, ये जम्मू कश्मीर ही है यार। इतनी रौनक लगी हुई वहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो यार हम सुनते हैं कि वहाँ पे वो बड़ा जुल्म होता है और इस तरह के कुछ सीन है, ये तो अच्छा खासा चल रहा है सिटी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सुना हुआ है कि एयरपोर्ट्स भी वहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कश्मीर में हमें कोई एयरपोर्ट्स वगैरह नजर नहीं आते, लेकिन वहाँ पे है तो और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, वहाँ पे जो उनसे सारा कुछ हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा जहाँ पे फैसिलिटीज है वहाँ मतलब उधर ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये आप कश्मीरी नहीं है? मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं आप ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरह इंडिया में किया जा रहा है। देखें एक गाड़ी आप यहाँ पे कल्टस की एग्जांपल देख लें, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 21 लाख, मेरे 21-22 लाख की होगी। इंडिया में क्या मुसलमान कोई खुशहाल नहीं है? कौन आपको, किसने कहा खुशहाल? नहीं खुशहाल, उधर इतना जुल्म हो रहा है मुसलमान पे। हमारी ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं, इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं ना इंडिया में, रोल मॉडल बन गए हर यंग जनरेशन का, जो भी यंग उधर से उठते हैं ना वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है, और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, वहाँ पर रोड और हाईवेज को अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है और टूरिज्म को इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की कायाकल्प जो है वो 370 के बाद पूरे तरीके से बदल चुकी है। दोस्तों इस पर जम्मू कश्मीर में लग्जरी एयरपोर्ट बने हुए हैं जिसे देख कर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा लग्जरी चीज़ें देख के वे काफ़ी ज़्यादा हैरान है और वे कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार से हमारे पास जो पीयूके है वहां पर एयरपोर्ट नहीं है, लग्जरी तो छोड़ो। वाओ यार इतना ज्यादा मतलब कि लाइटन नजर आ रहा है, वो जिससे हम यहां पे कराची को कहते हैं रोशनियों का शहर है कराची हमारे पास, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये कश्मीर तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि जितना जगमगा रहा है उसको देख लेगा, जैसे यहां पर कोई सेलिब्रेशन है, काफी एडवांस नजर आया, कमाल का है भाई। मैं आप कभी हमारे वाले साइड पे कश्मीर पे गई हैं, आजाद कश्मीर में? अब अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने वो कश्मीर देखा था, और अब की अगर बात की जाए तो जहाँ जैसे उसके हालात बताए जा रहे हैं तो दिल नहीं करता विजिट करके, मतलब कोई जाए वहाँ पर विजिट करें, बिकॉज आई थिंक वो आपके मुल्क का हिस्सा है, एंड जब आप वहाँ पर जाकर खुद अपनी आंखों से वो चीज़ें देखेंगे तो आपका दिल और दहल जाएगा, टूट जाएगा कि क्या हो रहा है उस एरिया के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो। एंड मजे की बात ये कि लोग कहते हैं कि वो पता नहीं कोई था, मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू से उस बंदे का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो कहते हैं यार वो तो कश्मीरी था, मतलब वो पाकिस्तानी नहीं था, वो कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है वो। देखिए मैंने रिसेंटली ना स्कर्दू विजिट किया था, तो मैं जब वहां पर गई ना तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान वालों के लोगों से ना इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा यार मोस्टली जो बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का वो कहता है कि आप अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं, तो वो कहते हैं हम समझते हैं लेकिन पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा नहीं समझता। कह रहे थे कि 70% लोग पाकिस्तान के साथ इलहाक नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि कश्मीर की अपनी एक स्टेट हो, और दूसरे नंबर पे ये है कि फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी बात सुनो कि कश्मीर पहली चीज़ है कि कश्मीर अभी आज़ाद होने का कोई इम्कान नहीं है, हा? नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब अभी दोनों मुल्क एटमी सुपर पावर हैं, राइट, एटमी पावर, ये कश्मीर उस वक्त आज़ाद हो सकता था आज से 50-60 साल पहले, ठीक हो गया, अभी ये सोचना आप हैं। दूसरी बात यह है कि आप खुद सोचें कि हमारे इस वक्त हुक्मरान और हमारे पाकिस्तान की सियासी लीडर किस तरफ जा रही है, क्या कुछ हो रहा है अपने मसलों से बताएं ना, मतलब जो भी आया 75 साल के बीच में उसने अपने मफाद को बदनजर रखा है, कश्मीर को किसी ने बदनजर नहीं रखा है। लेकिन हम तो वहाँ पे लाहौर से आए और वहाँ पे तो हम नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी मनाते हैं, 1 मिनट में 5 फरवरी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, नारू से कुछ नहीं होता है, क्या होता है, ये होता है अमली काम से होता है, अमली काम से होता है सारा काम। क्या कह रहे हैं आप? कश्मीर के लिए अमली काम कुछ भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान की तरफ कुछ भी अमली काम नहीं हो सका है कश्मीर, होना क्या चाहिए आप? दूसरा जो आपने कह दिया कि 1 मिनट के हिंदू वो हिंदुओं के साथ जाते हैं, मुसलमान ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह वो सब वो किधर जाते हैं? मुसलमानों के साथ जाते हैं। ये किसी को शक है कि पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की सड़क है, हम जीना मरना पाकिस्तान के साथ हैं, ये कभी नहीं हो सकता है, मकबूजा कश्मीर आज़ाद भी हो जाए और फिर भी हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो बीच में मुनाफिक लोग मुख्तलिफ किस्म के अफवाहें फैला देते हैं, कश्मीरी नहीं मानते, कश्मीरी किधर जाएंगे?
अभी ये भाई थे वो फिर झूठ बोल रहे थे, वो जो कह रहे थे कि 70% और वो नहीं, अभी पाक मतलब जम्मू व कश्मीर जो अभी हम हैं, हम मौजूद हम जी, हम 100% पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। अगर आपकी ओपिनियन ये है, लेकिन कश्मीर के आजादी आजाद हो सकता है अगर हमारे लीडर सारे एक हो जाएं। इसका मतलब है आप चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, अभी आप मुझे ये बता दें कि कायद आजम मोहम्मद अली जना के बाद इस पाकिस्तान को अगर सही नस्बों में लगाया वो किसने लाया, वो मियाँ नवाज शरीफ है। मानो या ना मानो ये दरिया है, मुझे बीच में फेंक दो, लेकिन एक मियाँ नवाज शरीफ है जिसने इस पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाया। जब यहूदी लॉबी ने समझ लिया कि इसने एटमी सुपर पावर भी बना दिया और इसने जो है आगे तरक्की की तरफ जा रहा है और उसने इसको सेट पर करा दिया। यहाँ पे एजुकेटेड भाई एक मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मकसूदुल हसन। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन कंपनी से हूँ। मेडिसिन कंपनी से हैं। टॉपिक किस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये अभी यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जो उनसे मुजाहरे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, कश्मीर में बहुत महंगाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस टाइम मौजूदा दौर में हमारे वाक़ है कि जो हालात चल रहे हैं कि एक गरीब बंदा बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जहाँ पे पहले बंदा 10 रुपये लगा के जाता था वहाँ पे अभी 40 रुपये लगा के जा रहा है। ठीक है, ये हमारे हुक्मरान जो है ऊपर हमारे मसलत है, उन लोगों ने ज़्यादा महंगाई बनाई हुई है। ठीक है, और बाकी इतनी जेन्युइन इशू नहीं है, लेकिन अगर इस्लामाबाद की नस्बत बाकी देखा जाए तो मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा महंगाई है। महंगाई ज़्यादा है क्योंकि हम कश्मीरियों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, कश्मीरियों के लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा आना जाना लगा जा रहता है कि हम अगर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ से सस्ती मिल रही हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक गरीब बंदा जो है वो 3 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा। ठीक है, खाना नहीं खा पा रहा क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है ना। आप देखो जहाँ पे बंदा 10 रुपये लगा के जा रहा था, अब वहाँ पे बंदा 30 या 40 रुपये लगा के जा रहा है, क्या वो किस तरह सर्वाइव करेगा? इंडिया साइड बिल्कुल आगे साथ इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पर भी जो सिचुएशन है, फैसिलिटीज दी जा रही हैं या जो रेट हैं आटे का रेट फ्यूल का रेट यहाँ से कम है, क्या सोचते हैं एज ए यूथ एज एजुकेटेड यूथ के वहाँ पर फैसिलिटीज मिल रही हैं? बिल्कुल ज्यादा मिल रही है वहाँ पे। और देखें अगर हम इस टाइम देखा जाए तो यहाँ हम तो तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से पीओके के लोग और पाकिस्तान के लोग श्रीनगर के लग्जरी एयरपोर्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि किस प्रकार से इस लग्जरी एयरपोर्ट को जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो कश्मीर में जो प्रोग्रेस रेट है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पर टूरिस्टों के आने की जनसंख्या भी अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर पूरी तरीके से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा और रोज़गार पैदा हो रहा है।